सोशल मीडिया पर एक युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर रहे हैं और बीच बचाव करने आ रही महिलाओं के साथ भी बदसलूकी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो छतरपुर के बक्सवाहा थाने का है। एसपी अमित सांघी ने बताया कि ये शेख सेमरा गांव की घटना है, जहां अतिथि टीचर प्रताप सेन ने स्कूल में एक बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने ये बात घर पर बताई, उसके बाद बच्चे के परिजन शिक्षक से बात करने गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होने लगा और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। एसपी ने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, मामले की जांच की जा रही है। ये शेख सेमरा गांव की घटना है बक्सवाहा की। इसमें एक गांव के व्यक्ति हैं जिनके पुत्र की एक अतिथि शिक्षक ने संभवतः कक्षा में मारपीट कर दी, और इसी बात को लेके जो जिस लड़के की मारपीट हुई उसके पिता अतिथि शिक्षक के घर गए और वहाँ पे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। उसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, साधारण मारपीट हुई थी और फिर बाद में ये डंडे वगैरह ले आए, और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें FIR की गई है और पुलिस दोनों में ही वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।